नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया में। गाजियाबाद में शताब्दी एक्सप्रेस के जनरेटर कार में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद स्टेशन पर दिल्ली लखनऊ शताब्दी ट्रेन के पार्सल कोच में आग लगी। आग की घटना से हड़कंप मचते ही आनन फानन में रेल अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। हालांकि आग की इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि पार्सल वैन में ही आग लगते ही तुरंत काबू पा लिया गया है, जिससे बाकी कोचों पर कोई असर नहीं दिखा। हालांकि आग की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। मुंबई के एंटीलिया केस का सच तलाशने में एनआईए की टीम लगातार जुटी हुई है। टीम ने अंबानी के घर के बाहर मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे को बीती रात कुर्ता पजामा पहनाकर सीन का रिक्रिएशन किया। एनआईए का दावा है कि 25 फरवरी की रात सीसीटीवी में कैद हुआ संदिग्ध सचिन वाजे ही था। एनआईए टीम ने देर रात करीब 10:30 बजे क्राइम सीन रिक्रिएट किया। सचिन वाजे को पैदल चलाया गया, गाड़ी में बिठाकर भी जांच की गई। ये रिक्रिएशन करीब 1 घंटे तक चला। इस दौरान एनआईए के साथ सीएफएसएल की टीम भी मौजूद रही। वहीं मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच भी अब एनआईए के पास जा सकती है। अभी मनसुख मामले की जांच एटीएस के पास है। एटीएस को सचिन वाजे का प्रोडक्शन वारंट मिला है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने कोर्ट में बताया कि उनके पास बयान और तकनीकी सबूत हैं, जिसके आधार पर सचिन वाजे मनसुख की हत्या के शक के दायरे में है। एंटीलिया केस में एनआईए ने कोर्ट से कहा है कि सचिन वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहे। वकील मौजूद नहीं होने की वजह से उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। अनुमति दिए जाने के बावजूद भी वकील मौके पर नहीं पहुंचे। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूजर्स को शुक्रवार की देर रात कुछ समय के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां रात के करीब 11 बजे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक एक साथ डाउन हो गए। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के डाउन होने के कारण लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट होने में काफी परेशानी हुई। इसके साथ ही कई यूजर्स ने इस मौके पर ट्विटर का रुख कर लिया और वहां पर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के डाउन होने की शिकायत करते हुए कई मीम्स भी वायरल कर दिए। बता दें कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सोशल मीडिया ऐप का मालिकाना हक फेसबुक के पास है। ऐसे में एकमात्र ट्विटर ही उनकी प्रतिद्वंदी कंपनी है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के डाउन होने पर लोगों ने ट्विटर का रुख करते हुए जमकर मजाक उड़ाया। वहीं कई यूजर्स ने सोशल मीडिया साइट में ट्विटर को सबसे ऊपर माना। गुड मॉर्निंग इंडिया खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।